आज के वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपको वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या मैसेज आएगा और वैक्सीनेशन के बाद आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे मालूम होगा, नेक्स्ट जो है आपका डेट वो कैसे पता चलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऑनलाइन वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा। सबसे पहले नेट ऑन करना होगा और हमें प्ले स्टोर पर जाके आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। चूँकि आरोग्य सेतु मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो हम इसको ओपन करेंगे। ये हम इससे लोकेशन ऑन की परमिशन मांगेंगे, हम लोकेशन ऑन कर देंगे। ब्लूटूथ ऑन करने का परमिशन मांगेगा, ब्लूटूथ ऑन करेंगे। अभी ये जो सेल्फ असेसमेंट है इसको स्किप करते हैं, चूँकि हमें वैक्सीनेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोविन पे है। तो कोविन पे क्लिक करेंगे ऊपर जाके लाइट साइड में। कोविन पे क्लिक करने के बाद आपको वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस है, वैक्सीनेशन लॉगिन करना है वो सब बताया गया है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी है वो सारा चेक करना है। तो हम सबसे पहले हमको वैक्सीनेशन पे जाना है। वैक्सीनेशन पे जाएंगे, वैक्सीन लेना है। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ऐसा मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके पास रहता हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। ठीक है, OTP आ चुका है, ये OTP हम डालेंगे। प्रोसीड करेंगे, सो प्रोसीड हो रहा है। सो ऑलरेडी एक हमने इस नंबर से वैक्सीनेशन प्रोसेस किया हुआ है। सो अभी हम यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशरी पे जाएंगे। ठीक है, फ़ोटो आईडी जो है उसमें आधार कार्ड चूज करेंगे। हालांकि इसमें कोई सा फ़ोटो आईडी पे हो रहा है, पर मोस्टली आधार पे ये कर रहे हैं लोग, और वहाँ भी आपको आधार का डिमांड किया जा रहा है तो आप आधार ही भरें। उसके बाद अभी इनका जेंडर चूज करेंगे और इसमें नाम डालेंगे इनका। अभी इनका नाम डालने के बाद उसके बाद हम इस पर सबमिट करेंगे। इनका नाम ऐड हो गया है, अभी हम नेक्स्ट बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। एक और आप एक साथ चार बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, तो हम दूसरा वाला बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, उसका भी आधार नंबर है। सबमिट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आई मीन ईयर ऑफ बर्थ डालना है, सबमिट करना है। सबमिट कर दिया, सबमिट करने के साथ ही आपको एक मैसेज आएगा जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। देखिए फर्स्ट वाले में आया, डियर परशुराम कुमार चौधरी, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन। रेफरेंस आईडी यहाँ पे है, डियर सागर कुमार, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कोविड वैक्सीन। रेफरेंस आईडी इनका भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम फिर से चलते हैं वहाँ पे। अभी हमको लॉगआउट करेंगे, लॉगआउट करने से पहले हम शेड्यूल वैक्सीनेशन का शेड्यूल कराएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं परशुराम कुमार चौधरी, इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल कराते हैं। क्लिक किया है यहाँ पे, यहाँ पे अपने शहर का पिन कोड डालना है, जो भी आप गांव सिटी रहते हैं वहाँ पे उनका पिन कोड डालना है। जैसे मेरे यहाँ का पिन कोड है 2301। कौन से डेट में, अभी आज तो 20 तारीख है, आज तो ख़त्म हो गया, आप कल के डेट में आपको मिलेगा। तो कल के डेट के लिए हम यहाँ पे फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर करेंगे। सो फ्रेंड, वैक्सीनेशन सेंटर खुल गया है, सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर करेंगे। आरा सदर हॉस्पिटल आया, यहाँ पे देखिए अभी ये फुल हो चुका है क्योंकि हमने 2-3 मिनट लेट हो गए। नॉर्मली ये 8 बजे के बाद 8, 5, 10 या 15 किसी भी टाइम में खुल रहा है। 8 बजे के बाद आपको रात में चेक करते रहना है। तो यहाँ पे किसी भी स्लॉट में बुक कर लेंगे हम, टाइम में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और कोई सा भी ये नीचे देखिए 10 से 12 और नीचे आएंगे, 10 से 12, 12 से 2 ऐसे ऐसे करके आ रहा है। कोई भी टाइम पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा स्लॉट जो है वो शेड्यूल हो जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको मैसेज आएगा, ये देखिए जैसा मैसेज ये खुल रहा है, इस मैसेज में आपको आपके वैक्सीनेशन का सारा डिटेल आएगा कि आपने क्या नाम है, आपका रेफरेंस आईडी क्या है और आपका वैक्सीनेशन किस तारीख को शेड्यूल हुआ है, कितने बजे शेड्यूल हुआ है। जैसा कि ये देखिए मैसेज में सारा ये आ रहा है डिटेल कि ये जो मैंने वैक्सीनेशन शेड्यूल कराया था 3 लोगों का, तो सारा ये डिटेल आ रहा है। वैसे ही आपको मैसेज आएगा, उसी तारीख पर उसी सेंटर पर आपको जाके और वैक्सीनेशन ले लेना है। वहाँ पर आपको अपना नाम, अपना आधार,
ईयर ऑफ बर्थ वगैरह सब डालना है डिटेल, और आप बिना फ़ोटो आईडी कार्ड के फोटोकॉपी के भी जा सकते हैं। उस आईडी कार्ड आपको ले जाना है अपना एक, अगर आप फोटोकॉपी करा लेंगे तो उस पर लिखने में आसानी होगा, आपका पहले से लिखा हुआ होगा, और वहाँ पे तुरंत एक आपका कंप्यूटर पे वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही आपको वैक्सीन का डोज दे दिया जाएगा। वैक्सीन का डोज लेने के बाद आपको मैसेज आएगा, और मैसेज में आपको आपको अपना सर्टिफिकेट का लिंक आएगा, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। अगर वो मैसेज ना भी आए तो भी आप यहाँ पे कोविड को आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप उमंग ऐप किसी ऐप से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डाउनलोड करना बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हम फिर से आरोग्य सेतु ऐप को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे कोविन पे जाना है। कोविन पे जाने के बाद आपको देखिए वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, नीचे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, सारा कुछ आपको आरोग्य सेतु ऐप में मिल जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे देखिए लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है मोबाइल का, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था और उसी मोबाइल नंबर के रेफरेंस पर आपको वैक्सीन मिला था। तो आपको मैसेज में एक रेफरेंस आईडी आया होगा वैक्सीनेशन शेड्यूल के टाइम, तो वही हम रेफरेंस आईडी हम वहाँ से नोट करेंगे, वो डिजिट का यहाँ पे डालेंगे। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया, गेट सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे, देखिए हमारा आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और हमारा सर्टिफिकेट ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सर्टिफिकेट ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पर। सो देखिए ये सर्टिफिकेट आ गया है, इसमें यहाँ पे नाम, एज और सारा जो भी मेरा डिटेल है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे हुआ था। तो टोटल है ये, इसको हम अपने पास रख लेंगे कहीं पे और सेव करके, और नेक्स्ट टाइम जब वैक्सीन सेकेंड डोज का हम लेने जाएंगे उस टाइम हमको, देखो आप यहाँ पे नेक्स्ट ड्यू डेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अगली तारीख, अगली तारीख जो है हमारी वो बिटवीन 12 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में हमको लेना है, मतलब अगस्त से लेके सितंबर के बीच में लेना है नेक्स्ट ड्यू डोज है। डोज आज हम 20 मई को मिला है, अब नेक्स्ट हम अगस्त में लेंगे 12 अगस्त को, ओके। सो दोस्तों अब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।